इस साल की अब तक की सबसे चर्चित लव स्टोरी साक्षी और अजितेश की लव स्टोरी। सोशल मीडिया में दोनों के वीडियो वायरल होने से लेकर के उनके लव मैरिज, उसके बाद टीवी के तमाम डिबेटों में उन दोनों की प्रेम कहानियों को सुनने से लेकर सब ने उनकी कहानियों पर दिलचस्पी दिखाई। साक्षी और अजितेश के बारे में हर कोई जाना कि उन दोनों ने कैसे लव मैरिज की, कैसे साक्षी के घर वाले उसको परेशान करते थे जिस प्रकार से साक्षी ने अपने घर वालों पर आरोप लगाया, कैसे साक्षी ने बताया कि उसके विधायक पिता उसको छोटी छोटी बातों पर डांटा करते थे और उसको आज़ादी से जीने नहीं दिया करते थे। लेकिन अब इन दोनों की लव स्टोरी जब हाईकोर्ट पहुंची और हाईकोर्ट ने दोनों की लव स्टोरी को वैध करार देते हुए कहा कि अगर इन दोनों लोग अपनी शादी को 2 महीने के अंदर पंजीकृत नहीं कराते हैं तो इस शादी को वैध करार नहीं दिया जाएगा। बहरहाल अभी 2 महीने होने में काफ़ी वक्त है, लेकिन साक्षी और अजितेश की लव स्टोरी की जो कहानी है अभी यहाँ ख़त्म होने वाली नहीं है। चर्चा ये है कि बिग बॉस का सीज़न शुरू होने वाला है और बिग बॉस ऐसे अपने तमाम कंटेस्टेंट को तलाश रहा है जिन्होंने समाज में हलचल पैदा की हो या समाज में कुछ ऐसा काम किया हो जिससे कि वो सुर्खियाँ बटोरे हों। ऐसे ही अब सूचना आ रही है कि बिग बॉस जो है साक्षी और अजितेश को प्रपोज कर रहा है कि वो बिग बॉस के इस सीज़न में आएँ और बिग बॉस में शामिल हो। अब देखने वाली बात ये बड़ी दिलचस्प होगी कि जिस प्रकार से समाज में लव मैरिज, ऑनर किलिंग और इसके साथ साथ इंटरकास्ट मैरिज को लेकर एक चर्चा को जन्म दिया साक्षी और अजितेश ने, क्या उन दोनों लोग फिर से एक बार सुर्खियों में आते हुए बिग बॉस में जाने का फैसला लेते हैं या नहीं। बिग बॉस की टीम की जो हम लोग को सूचना मिली है, बिग बॉस की टीम लगातार साक्षी और अजितेश से संपर्क कर रही है। हालांकि अभी हमें ये जानकारी नहीं मिली है कि उन दोनों ने बिग बॉस में जाने की हामी भरी है या नहीं। अगर उन दोनों लोग जाने की हामी भरते हैं बिग बॉस में तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से टीवी के डिबेट से लेकर सोशल मीडिया में उनके वायरल हुए वीडियो को दर्शकों ने काफ़ी चाव से देखा और काफ़ी लोगों ने उसमें दिलचस्पी दिखाई कि किस प्रकार से साक्षी और अजितेश ने प्रेम किया, उसके बाद विवाह किया और उसके बाद दोनों के विवाह में जो अड़चने आई, जो इंटरकास्ट मैरिज को लेकर एक चर्चा शुरू हुई और जिस तरीके से उन दोनों ने तमाम जो समाज की रूढ़िवादी सोच है उसको चैलेंज किया और समाज में एक बार फिर से ये चर्चा उठी कि क्या अंतरजातीय विवाह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या एक पिता को सहज रूप से अपनी बेटी को स्वीकार करना चाहिए इस स्थिति में या नहीं। बहरहाल इन तमाम सुर्खियों के बीच अब ये जो खबर आ रही है कि साक्षी और अजितेश से बिग बॉस की टीम लगातार संपर्क कर रही है और उनको कह रही है कि वो इस सीज़न में बिग बॉस में शामिल हो। अगर साक्षी और अजितेश बिग बॉस के इस सीज़न में शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है कि भारतीय दर्शकों की निगाहें उन पर होगी। जिस तरीके से उन दोनों ने समाज में हलचल पैदा की है, बिग बॉस में तमाम भारतीय दर्शक उनको देखना पसंद करेंगे। बिग बॉस ऐसे ही तमाम लोगों को अपने एक घर में, जो 1 महीने का वो शो करता है, अपने घर में बुलाता है और वहाँ पे तमाम लोगों की कहानियों को आम दर्शकों तक पहुँचाता है। उन लोगों की कहानियों को जो समाज में कुछ ऐसा किए हो जिससे कि वो समाज में सुर्खियाँ बनी हो, इसके अलावा उन तमाम लोगों को बुलाता है जो सेलिब्रिटी होते हैं और जो आम लोग होते हैं और उन्हें कुछ ऐसा कार्य किया होता है जिससे कि समाज में कई लोग उनसे प्रेरित होते हैं या फिर समाज में उन्होंने कुछ ऐसी सुर्खियाँ बटोरी हों जिससे कि तमाम लोगों का ध्यान उन पर गया हो। साक्षी और अजितेश ने ये वो सारे काम किए हैं जो बिग बॉस के एक कंटेस्टेंट के रूप में होने के लिए चाहिए होता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या साक्षी और अजितेश इतनी सुर्खियों बटोरने के बाद क्या टीवी के जो आने वाले बिग बॉस के सीज़न में उनके बिग बॉस के घर में जाते हैं या नहीं। बिग बॉस को सलमान खान होस्ट करते हैं और ये एक खास टेलीविज़न में दिखाया जाता है। अब देखने ये बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या साक्षी और अजितेश उस टेलीविज़न में जाते हैं और बिग बॉस के घर में रहते हुए जिस तरीके से उन्होंने तमाम सारी सुर्खियां बटोरी थी सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट्स में, उसके बाद फिर जिस तरीके से पूरा हंगामा हुआ था और पूरे समाज में एक चर्चा उठ गई कि क्या लव मैरिज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या फिर ऑनर किलिंग की जिस तरीके से बात उठी, रसूख की बात उठी, क्योंकि जिस प्रकार से साक्षी के पिता विधायक थे और साक्षी का बार बार यही आरोप था कि वो अपने रसूख का इस्तेमाल करके उनके और उनके पति अजितेश की हत्या करा सकते हैं, इसीलिए उन्होंने अपना वीडियो वायरल किया। और फिर जब तमाम टीवी डिबेट में उन्होंने बताया कि किस तरीके से साक्षी को परेशान किया जाता था घर में, खासतौर से उनकी माँ की तरफ से या उनके पिता की तरफ से या फिर उनके भाई की तरफ से जो कुछ उनको कहा जाता था, अब ये बड़ा दिलचस्प होगा कि साक्षी और अजितेश अगर बिग बॉस में जाने के लिए हामी भरते हैं तो क्या बिग बॉस में भी जाके वो अपनी तमाम और अनछुए कहानियों को बताएंगे वहाँ पर, जो कहानी
टीवी में नहीं आ पाई या फिर जो कहानी अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाई, क्या वो उन तमाम सारी कहानियों को बिग बॉस में जाके रिवील करेंगे या नहीं, या फिर बिग बॉस में जाके एक प्रेमी जोड़ी के रूप में, एक दाम्पत्य के रूप में, उन तमाम जो बिग बॉस का टास्क होता है और बिग बॉस के टास्क के साथ साथ जो तमाम बिग बॉस के अंदर की कहानियाँ होती हैं उसमें शामिल होते हैं। और जिस तरीके से बिग बॉस के घर के अंदर देखा भी गया है कि तमाम लोग एक दूसरे से लड़ते हुए भी आते हैं, प्रेम कहानियाँ भी दिखती हैं और तमाम सारे रंग दिखते हैं व्यक्ति के, क्या उन सारे रंग को दिखाने के लिए साक्षी और अजितेश तैयार होते हैं या नहीं। फरहाल बिग बॉस की टीम उनके साथ बातचीत कर रही है। अब देखना ये होगा कि क्या ये खबर मिलती है कि साक्षी और अजितेश बिग बॉस में जा रहे हैं या नहीं। तब तक करिए इंतज़ार और आप देखते रहिए एबीपी गंगा।